भाई काफ़ी समय बाद भाई अपना यूपी में आगमन हुआ, बहुत समय बाद। तो भाई यूपी में आगमन होते हैं सर, तो भाई एक चीज़ नोटिस करी, आगमन तो भाई पहले भी होता था। पहले क्या होता था भाई, आगमन में ये होता था कि भाई ट्रेन का सफ़र या फिर गाड़ी का सफ़र होता था कि पता नहीं चलता था, या तो गाड़ी में सो गए या कानों में डंडक सी लगा ली मेरे फ़ोन सी और अपना गाना गुना सुनते हुए अपना पहुँच गए घर, कोई पता नहीं चलता था क्या हो रहा क्या नहीं। लेकिन भाई आगमन होने के बाद में आज मैंने भाई बाइक पर 2-2.5 साल बाद मैं बाइक पर आया हूँ भाई अपने यूपी में, यूपी में भाई अपने सामने वाले रोड पे। तो भाई एक चीज़ नोटिस करी भाई, ये वही रोड है जब हम चलते थे तो कभी बाइक वुइक लेकर आगे, पहली बात तो छिद्दा छेड़ा ही हम बाइक लेकर आते थे पहले, अब भी वही हाल है। तो भाई पहले क्या होता था, जब छिद्दा छेड़ा बाइक लेकर आते थे तो भाई बाइक रोड का इतना बुरा हाल था भाई। भाई ये वीडियो इस वजह से बना रहा है भाई, कुछ लोग ना मोदी जी को गाली निकालते हैं कि मोदी ने करा क्या, क्या नहीं करा क्या नहीं। तो भाई मोदी ने तो करा नहीं करा को वो तो भाई सबके सामने है प्रूफ, लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो भाई एक टाइम होता था जब हम इस रोड पर चलते थे ना, तो भाई बाइक वगैरह लेकर तो भाई सिंगल रोड होता था, सिंगल पट्टी वाला ऐसे ही, इससे भी आधा होता, हाँ इससे तो एक रोड बन जाएगी, इससे इतना कम होता था। तो भाई जिस टाइम पर बाइक वाले चलते थे ना, छोटी वाहन वाले चलते थे, तो भाई ऐसा होता था कि पहले वाली तो फीलिंग भाई घोड़ा तांगे वाली गड़गड़ गड़गड़ वो घुचक घुचक वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि गड्ढे ऊपर नीचे रोड का भाई भाई हाल बहुत बेकारा था, डेरी बेकारा। तो उसके बाद में फिर भाई कभी क्या होता था, बड़ा वाहन आ गया पीछे तक गाड़ी गुड़ी आ गई, रोडवेज वाले आपको पता ही है, ट्रक वाले आपको पता ही है क्या बुरा हाल करता है भाई, बाइक या गाड़ी भाई नीचे उतारनी पड़ती थी उस टाइम पर। ये भी बहुत सारी चीज़ें होती थी कि भाई नीचे गाड़ी उतार लिया भाई, कभी चोट लग गई कभी कुछ लग गई, तो भाई बहुत बारी चीज़ें होती थी। तो भाई गाली निकालने वालों भाई थोड़ा सा ये भी देख लो, ऐसी बात नहीं भाई, मोदी जी ने बहुत कुछ करा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं सपोर्टर हूँ या समर्थक हूँ, कोई ऐसा नहीं है भाई, मैं तो जैनवन चीज़ें बात करता हूँ और जैनवन ही करता रहूँगा। तो भाई ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसा बात नहीं भाई मोदी जी ने कुछ करा नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोदी जी ने करी भाई आप लोगों को नहीं दिख रही। तो भाई ये कलेश ना छोड़ दो भाई, जो हाल श्रीलंका और उसका पाकिस्तान का हो रहा ना, ये एक दूसरे को क्लेम करना ये वो चीज़ें करना, तो भाई ये चीज़ें छोड़ दो, वरना भाई एक दिन बहुत पछताओगे, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा तुम लोगों का भी। भाई कभी ये सोच रहे हो कि हम सेफ है सेफ बच जाएंगे, तो सेफ कोई नहीं है, सेफ कोई रहने वाला नहीं है यहाँ से, तो सब ऐसे ही हो जाएगा भाई साहब। आज के टाइम में तो भाई साहब वो हाल हो गया अपने यहाँ का भाई, अपने यहाँ का सामने का लुंडा भाई बागपत आ गई, माँ को फ़ोन करता है, अरे माँ मैं पहुँच गया बागपत, उन कहता माँ भी फोन कह दिया फ़ोन पे कि हाँ बेटा ठीक है, मैं इतना आटा उछल लूँ, इतना तो तू पहुँच जाएगा, हाँ माँ बस पहुँच जाऊँगा, 20-25 मिनट लगी भाई, वो हाल हो गया भाई रोड का। नहीं भाई साहब बागपत आने के बाद में भी शामली जाने में एक टाइम होता था 2-2.5 घंटे लगते थे, अब भाई साहब गाड़ी वाला 35-40 मिनट से पहले ही पहुँच जाए जो सही से गाड़ी वाला चलाने वाला हो। तो भाई यही मेरी बात है भाई, थोड़ा सा क्लेश करना छोड़ दो भाई आपस में देश में, तो भाई जिसकी जो गलतियाँ है वो गिनवाओ, ऐसा नहीं है भाई कि सरकार सबकी अच्छी हो, इसमें भी बहुत सारी कमियाँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन काम बहुत कुछ किया भाई मोदी जी ने, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ सुधार दिया भाई रोडों का हाल ना, इतना वो ऐसा था। अब मेरे को गुड़गांव से यहाँ तक आने में भाई साहब मैं 9 बजे चला था और 11 बज लिया भाई साहब, 2 घंटे लगे, और यहाँ से मेरे को शामली जाने में सब सिर्फ 40-45 मिनट लगेगी ये देख लो, और गुड़गांव से यहाँ तक आने में भाई साहब आपको आने में कर जो है बराबर है दोनों का, यानी कितना ही है 50 ही होगा, ज़्यादा बराबर भी नहीं कह रहा यार, यहाँ से शामली भाई 66 किलोमीटर है, पीछे मेरे पीछे बोर्ड देख सको भाई साहब। तो ऐसा नहीं है भाई, मोदी जी ने बहुत कुछ सुधारा बहुत कुछ करा, और भाई इधर लिखा हुआ आई लव बागपत, तो भाई बागपत वालों दिल से सल्यूट भाई, बहुत कुछ है भाई आप लोगों के यहाँ से, बहुत बड़ा हिस्ट्री है भाई, अगर पढ़ोगे ना भाई कोई भी लोग तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो भाई मिलते हैं कल।